सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक पहुंचते रहे हमारे वीडियो टाइम टू टाइम। हाय दोस्तों, मेरा नाम विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम जो है लेके हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है कनाडा के कुछ वैकेंसीज के बारे में बताने वाले हैं। कनाडा में जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन खास करके आज की जो वैकेंसी है वो है फार्म वर्कर की। 40 फार्म वर्कर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैं जो है डिटेल्स आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो बिना कोई देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है हम अपने ऑफिस से बना रहे हैं, क्योंकि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और काफ़ी जल्दी जो है इसे फिलअप करना है। इसलिए हमने जो है इतने शोरगुल के साथ जो है आज का वीडियो ये शूट किया है। तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज है उसके लिए जो है मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ये आप तक शेयर करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हम जो है आज का वीडियो इतने शॉर्ट टाइम में लेके आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे जो है 40 फार्म वर्कर की रिक्वायरमेंट है और इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब आपका जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे आयल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन रिटन और स्पीकिंग जो है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको जो है बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं समझ रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश समझ सकते हैं देन आप जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन की अगर हम बात करें देन यहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने कर रखा हो खास करके एग्रीकल्चर के ऊपर देन वेल एंड गुड, या फिर अगर कोई डिप्लोमा का कोर्स भी कर रखा है देन ऑल्सो जो है चलेगा। यहाँ पे कोई भी बैचलर या फिर मास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो लोग भी बैचलर या मास्टर है इसमें अप्लाई ना करें। यहाँ पे एक्सपीरियंस पे भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 महीने से लेकर 7 महीने का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब आपको जो है ये काम पता होना चाहिए तभी जाके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि 1 से 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जो टास्क आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे वो है कल्टीवेशन, जो कि ऑब्वियस बात है फार्म वर्कर है, देन इरिगेशन जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देन हार्वेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है फार्म मशीनरी का जो है मेंटेनेंस भी आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी गई है कि आपको जो है फार्म से रिलेटेड जो भी मशीनरी है उसका ऑपरेशन भी जो है आपको आना चाहिए, मतलब वो चलाना आप जो है आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो क्रॉप जिस पे आप काम करेंगे वो चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें देन यहाँ पे जो है एप्पल और चेरी पे जो है ये लोग काम करते हैं, देन आप जो है एप्पल फार्म या फिर चेरी फार्म पे जो है प्लेस किए जाएंगे, तो इस चीज़ का भी जो है आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें भी लिखी गई है, जैसे कि आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो डिमांड में है इसमें, क्योंकि आपको जो है थोड़ा फिजिकल लेबर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रख के इसमें अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो है आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है $23 पर आवर के हिसाब से, और यहाँ पे जो है 40 घंटे से लेके 70 आवर्स जो है आपको ये लोग काम करवाएंगे प्रति हफ्ते। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, काफ़ी सारा जो है यहाँ पे काम है, क्योंकि मिनिमम जो है 40 घंटे कराया जाता है बट यहाँ पे जो है 70 आवर्स तक भी जो है पर वीक आपको काम मिल सकता है। तो इस हिसाब से देखें ना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं इसे, और आप जो है एक अच्छी खासी यहाँ पे इनकम भी कर सकते हैं, क्योंकि पर आवर जो है वो भी जो है जनरली $17 मिलता है बट यहाँ पे जो है $23 जो है मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये भी एक पैसे कमाने का एक अच्छा मौका है, तो बिना कोई देर करते हुए इसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी आप स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी आ रहा होगा, उस ईमेल आईडी पे जो है आपको अपना सीवी फॉरवर्ड करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सीवी और कवर लेटर जो है कैनेडियन फॉर्मेट में बना के जो है इस ईमेल आईडी पे जो है आप सेंड कर दीजिए। जितनी जल्दी आप सेंड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये क्लोज हो जाएगी 1 सितंबर को, तो उस हिसाब से जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। और सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर लिखिएगा कि फार्म वर्कर के लिए अप्लाई करना है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी जो है वैकेंसीज अवेलेबल हैं। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इन्होंने जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी LMIA भी अप्रूव करा चुके हैं, तो ये एक LMIA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर
LMIA की परेशानी होगी, क्योंकि इस एम्प्लॉयर के पास पहले से ही LMIA का जो है अप्रूवल है। तो इसलिए जो है आप इसमें बिंदास होकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसमें कैनेडियन सीवी और कैनेडियन कवर लेटर के साथ जो है अप्लाई कर दीजिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।